सुबह के तकरीबन 6 बजे थे। बाइक पर सवार 30 साल का नयन अपना घर छोड़कर ऋषिकेश की ओर बढ़ा चला जा रहा था। कहां जा रहा है, क्यों जा रहा है, उसे कुछ होश न था। होश तब आया जब ऋषिकेश से कुछ किलोमीटर पहले उसकी बाइक का पेट्रोल खत्म हो गया। परेशान नयन को याद आया, ऋषिकेश, यहीं तो प्रोफेसर श्रीधर रहते हैं, उन्हीं को कॉल करता हूं, शायद कुछ मदद मिल जाए। श्रीधर शुक्ला उसके इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट IIT कानपुर के रिटायर्ड फिजिक्स प्रोफेसर, उसके गुरु, उसके मेंटोर, जो यहां अपनी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए आए थे और फिर यहीं बस गए थे। नयन ने कांपते हाथों से प्रोफेसर श्रीधर का नंबर डायल कर दिया। उधर से गर्मजोशी से भरी आवाज आई, अरे वाह, आज मेरे फेवरेट स्टूडेंट ने मुझे कैसे याद किया, लगता है फिर किसी मुसीबत में फंस गए हो हमेशा की तरह। आज तो मैं सब मुसीबतों से पीछा छुड़ाकर भागा था सर, घर, नौकरी, फैमिली, स्टेटस, पैसे, सब कुछ, मगर भूल गया था भागने के लिए भी जेब में पैसे और बाइक में पेट्रोल चाहिए। नयन ने प्रोफेसर श्रीधर को अपनी लोकेशन बताई और उन्होंने अपने एक असिस्टेंट को भेजकर नयन को अपने पास बुलवा लिया। श्रीधर ऋषिकेश में पहाड़ों, पेड़ों के बीच बने एक छोटे से फार्म हाउस में रहते थे, लेकिन नयन को वो किसी आश्रम जैसा लग रहा था, फुल ऑफ पीस एंड पॉजिटिव एनर्जी। वहां कदम रखते ही नयन के भीतर चल रहे सारे तूफान जैसे ठहर गए थे और उसके मन से एक ही प्रार्थना उठी, हे भगवान, मुझे भी अब यहीं रहना है, नहीं जाना उस नरक में। कौन से नरक में नयन, तुम्हारे जैसा ब्रिलियंट, इंटेलिजेंट और हार्ड वर्कर इंसान तो अपने लिए खुद स्वर्ग बना सकता है। प्रोफेसर श्रीधर ने पीछे से नयन के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, कोशिश तो यही की थी सर, मगर मेरे अपने ही लोगों ने मुझे नर्क से भी बदतर हालात में पहुंचा दिया। ऑफिस में मेरे काम का क्रेडिट मेरा दोस्त ले गया, मेरे हिस्से की प्रॉपर्टी मेरा सगा भाई हड़प गया, नौकरी छोड़कर स्टार्टअप शुरू करने की कोशिश की तो कदम कदम पर बेईमानी, रिश्वत, भ्रष्टाचार को फेस किया। वाइफ कहती है पूरी दुनिया आगे बढ़ने के लिए यही करती है तो तुम क्यों नहीं करते, वो भी नाराज है। ये उनकी गलती नहीं है नयन। तो क्या मेरी गलती है? देखो ना, उनकी है ना तुम्हारी है, ये उस युग का असर है जो अभी चल रहा है, ये कलयुग का असर है जो एक अच्छे भले इंसान की बुद्धि फेर देता है। कलयुग की आड़ लेकर हम अपने गलत कामों और गलत सोच को जस्टिफाई नहीं कर सकते सर। कलयुग सिर्फ एक युग का नाम नहीं है नयन, ये एक कॉन्शियस लेवल या कहें चेतना के स्तर का नाम है। उसके प्रभाव से इस समय पूरे संसार का कॉन्शियस लेवल बहुत लो है, लोग जल्दी बुराइयों की पकड़ में आ जाते हैं, जैसे स्वार्थ, लालच, क्रोध, अहंकार, नफरत, वासना, और फिर उसी हिसाब से काम करते हैं। कलयुग के असर से ही आज पूरे विश्व में हिंसा, अपराध, युद्ध, गरीबी, बीमारियां जैसी बुराइयां हैं। मैंने तो जब से होश संभाला है संसार को ऐसा ही देखा है सर, क्या ये कभी बेहतर भी था? बिल्कुल था नयन, एक समय संसार ऐसा था जब यहां किसी भी तरह के पाप, झूठ, बुराई, बीमारी, हिंसा वगैरह नहीं थी। लोग सत्य, धर्म, मर्यादा से भरा निस्वार्थ जीवन जीते थे, दूसरों के लिए करुणा, प्रेम, दया रखते थे। वो सतयुग का दौर था, उस समय संसार की कॉन्शियसनेस अपने हाईएस्ट लेवल पर थी। ओ, काश मैं उस समय पैदा हुआ होता। तुम उस समय भी थे नयन, वो युग कभी ना कभी तुमने भी एक्सपीरियंस किया है अपने किसी ना किसी पास्ट बर्थ में, और आगे भी करोगे। देखो, जैसे जैसे युगों का साइकिल चल रहा है वैसे वैसे हम आत्माओं का भी साइकिल चल रहा है। हम ही तो हैं जो हर युग में नया शरीर धारण कर जीते हैं, सिर्फ हमें वो सब याद नहीं रहता। लेकिन बहुत से लोगों ने मेडिटेशन के हायर स्टेट में और पास्ट लाइफ रिग्रेशन जैसी टेक्निक से अपने पिछले जन्मों को देखा है और जाना है कि हमारी जीवन यात्रा भी युगों के साथ साथ अनंत रूप से चल रही है। सतयुग में उस वातावरण के प्रभाव से हमारा कॉन्शियस लेवल हाईएस्ट होता है, तब मनुष्य
अपने प्योरेस्ट फॉर्म में होता है, फिर अगले युग त्रेता में वो थोड़ा नीचे आता है, फिर उससे अगले युग द्वापर के साथ थोड़ा और नीचे आता है, और फिर चौथे और अंतिम युग कलयुग के साथ वो कॉन्शियस के लोवेस्ट लेवल पर आ जाता है, जैसा आजकल तुम अपने आसपास देख रहे हो। मगर विश्वास रखो, ये समय भी हमेशा नहीं रहेगा। वापस युग बदलेगा और उसके साथ हम इंसान भी बदलेंगे। प्रोफेसर श्रीधर की बातें सुनकर नयन के मन में युगों को लेकर बहुत से सवाल उठ खड़े हुए, जैसे आखिर ये युग हैं क्या, इनको किसने डिफाइन किया, इनकी क्या खासियत है, ये कब शुरू होते हैं और कब खत्म होते हैं, और वो लोगों पर अपना कैसा प्रभाव छोड़ते हैं। युगों की थियरी, मिस्ट्री, अंडरस्टैंडिंग सभी जाननी थी उसे प्रोफेसर श्रीधर से, और वो भी उसके सभी सवालों का जवाब देने के लिए तैयार थे। आपको भी नयन की तरह युगों के रहस्य समझने हैं तो चलिए हमारे साथ अगले एपिसोड पर। अगले एपिसोड में हम जानेंगे युगों से जुड़े सभी बेसिक सवालों के आंसर, जैसे युग क्या हैं, उनकी जानकारी के सोर्स कौन से हैं, इनफाइनाइट टाइम को युगों के चक्र में कैसे बांटा गया है, एक चक्र में कितने युग होते हैं और उनके नाम क्या हैं।